सच। सच की तलाश में हर एक इंसान खुद ही को झुटला देता है। सच की तलाश में हर एक इंसान खुद को ही झुटला देता है। समय गुजरता जाता है, अंत तक वो पहुंच जाता है। समय गुजर जाता है, अंत तक वो पहुंच जाता है, फिर भी अंत तक भी खुद को समझ नहीं पाता है। अंत तक भी खुद को समझ नहीं पाता है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत व्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से आपका विमल पाल, आपका होस्ट, आपका स्वागत करता है। जी हाँ, तहे दिल से आपका स्वागत है। क्यों बेचैनी है, क्यों तन्हाई है, क्यों आग तेरी भराई है? इंसान परेशान क्यों है, आखिर क्यों है? क्या इसके तह तक कोई पहुंच सका? एब्सोल्युटली नहीं दोस्तों। हम कोशिश करते हैं खुद को जानने की और उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि यार एक दिन एक ऐसा चमत्कार होगा कि जब भगवान हमसे खुद पूछेगा कि बता तेरी ख्वाहिशें क्या है। अब आप ही सोचो, क्या भगवान को कोई और काम नहीं है कि वो जमीन पे आकर हमसे ये पूछे कि तेरी ख्वाहिश क्या? दोस्तों, आज आपका होस्ट विमल पाल आपसे कुछ ऐसी बातें करेगा जो मेरे, आपके या हम जैसे करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों के जीवन में एकदम सटीक बैठती हैं। वो बातें समझते हम सब कुछ हैं, जानते हम सब कुछ हैं, लेकिन उस चीज़ को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आखिर वो कौन सी बातें हैं जिस चीज़ को हम स्वीकार नहीं करते हैं? तो दो चार पॉइंट में आज आपके सम्मुख पेश करने जा रहा। आखिर इंसान को चाहिए क्या? मैं फील करता हूँ कि इंसान को एक ऐशो आराम की लाइफ चाहिए, एक ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें उसके लिए किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, उसके पास धन हो, दौलत हो, पैसा हो, इज्जत हो और रुबाब हो। शायद ऐसी जिंदगी हर एक इंसान इस दुनिया में चाहता ही चाहता है दोस्तों। क्या पता आपको, सच ये है, जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है ना, जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर और उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान, ठीक है ना, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, निकाल दिया जाता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा सच नहीं है। सच ये भी है सच ये भी है, पर दोस्तों, कभी कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, उसके द्वारा कमाई गई दौलत, उसके द्वारा कमाई गई प्रॉपर्टी, उसके द्वारा बनाया गया घर, उसके द्वारा पैसा कमाया हुआ, जमा किया हुआ और उसके द्वारा बनाए हुए या जमाए हुए या जोड़े हुए जेवरात, इन चीजों को उसके साथ नहीं दिया जाता दोस्तों। इन चीजों को उसके साथ नहीं दिया जाता। और तो और, उस मृत व्यक्ति के गले में पहनी हुई सोने की चैन, उस मृत व्यक्ति के अंगूठी जो सोने की है, जो उसने उंगली में पहनी है, वो अंगूठी तक उतार दी जाती है, वो आभूषण उसको नहीं दिए जाते।
जब उसकी चिता लगाई जाती है। ये कड़वा सत्य है, ये कटु सत्य है। इससे पता चलता है कि उस इंसान से लगाव ना था तेरा, उसकी कमाई गई माया से तेरा लगाव था। क्योंकि इंसान को तो तूने कुछ दिया ही नहीं, लेकिन जो वो इंसान अपने जीते जी छोड़ गया वो तो तूने धर दबोचा। आखिर इंसान के साथ तूने उसके द्वारा कमाई गई धन दौलत, हीरे जेवरात, प्रॉपर्टी, मकान, घर, बिल्डिंग क्यों नहीं दान में दे दी? वो तो तूने खुद रख ली, लेकिन इंसान को तूने जलने दिया। ये कटु सत्य है, ये कड़वा सच है। जी हाँ दोस्तों, ये कड़वा सच है। लेकिन दोस्तों, आप दुनिया में आते हैं, आपका एक सामंजस्य होता है समाज के अंदर, एक नाम होता है, एक कीर्तिमान होती है। आपके नाम के साथ ही आपकी जो कायाकल्प है वो जोड़ दी जाती है समाज में। कई लोग कहते हैं कि ये जो मनुष्य है, इसका ये नाम है, इसका ये कर्म है, इसका ये धर्म है, इसकी जो लाइफ है, इसकी जो लाइफ स्टाइल है, इसकी जो गति है, इसकी जो जीवन लीला है, वो इस तरह से है। दोस्तों, हमें इसी पर निर्भर रहना है। जी हाँ दोस्तों, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। हम सुनते आ रहे हैं और सुनते ही आएंगे। दोस्तों, ये सत्य भी है। अरे कटु सत्य ये भी है दोस्तों, जो आप अपने जीवन में कमाते हो वो है आपका नाम, आपका किया हुआ कार्य, आपका कर्म, आपका किया हुआ पुण्य। बिल्कुल दोस्तों, आपके जाने के बाद अगर लोग आपस में बात करते हुए यह कहते हैं कि जो मनुष्य चले गया वो बहुत ही गुणवान था, वो धनवान होने के साथ साथ परोपकारी था, उसके अंदर आत्मनिर्भरता थी, समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा थी, वो औरों से हटके था, वो भेड़ चाल नहीं चलता था, तो आप लिख कर ले लीजिए, यहाँ पर आप मरने के बाद भी जीवित हैं उनके हृदय में, और आपकी जीत हुई है उनके हृदय में, आप हमेशा जीवित रहेंगे। दोस्तों तो मैं लिखता हूँ आपको पता ही है, पढ़ता हूँ वो भी आपको पता ही है, क्योंकि जो हमारे प्राचीन काल में लेख लिखे थे उन लेख में से एक लेख मुझे काफ़ी पसंद आया, जो हमारी अभी की जो जीवन शैली है उसमें बिल्कुल सटीक बैठता है। हाड़ जले ज्यों लकड़ी केस जले ज्यों घास कंचन जैसी काया जल गई कोई ना आया पास। कंचन जैसी काया जल गई कोई ना आया पास। इसलिए मित्रों, इसलिए दगड़ियों, इसलिए दोस्तों, ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, कि लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, तुम्हारे मन के कारण तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद करें इस युग में, इस दुनिया में, इस कलयुग में। जी हाँ दोस्तों, इस कलयुग में कई लोग मुझसे मिलते हैं, बोलते हैं, वो कहते हैं कि भाई स्कूल टाइम में तो तेरी सोच कुछ अलग थी, अभी तेरी सोच अलग है। तो मेरा उत्तर एक ही था कि स्कूल टाइम में हम बाल्यावस्था में जो सच जानते थे, कि स्कूल टाइम में बाल्यावस्था में जो हम सच जानते थे, आते आते वो सच अब हमें झूठ लगने लगा, आते आते वो सच अब हमें झूठ लगने लगा। बहुत बुराई हो रही है इस समाज में, इस बुराई को ढकने में अब
मेरा दूसरा जन्म होने लगा, अब मेरा दूसरा जन्म होने लगा। अंत में इतना ही कहूंगा दोस्तों, अपना जीवन जियो, लेकिन याद रखो जीवन का अर्थ ये नहीं कि आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर 4-5 घंटे यूं ही आप व्यर्थ के करते हैं, उसके बाद घर में आते हैं, दिन का भोजन करते हैं, फिर शाम का भोजन करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। दोस्तों जिंदगी इतनी ही नहीं है, करोड़ों करोड़ों वर्ष बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है। जीवन अपना ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे दुश्मन हो या तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे चाहने वाले हो या तुम्हें ना चाहने वाले हो, हर तबके का मनुष्य तुम्हें याद करे, तुम्हारा नाम लेकर ये कहे कि मनुष्य हो तो इसका जैसा हो, वरना मनुष्य हो ही नहीं। शब्दों के साथ अपने सयानों से, अपने बुजुर्गों से, अपने छोटों से, अपने से बड़ों से, सभी से मैं अलविदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि याला जो वीडियो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा, नॉलेजेबल वीडियो था, और उम्मीद यही करता हूं, आशा यही करता हूं कि आपका आने वाला नववर्ष आपकी ज़िंदगी में काफ़ी खुशियां लाए। तो लेता हूं आपसे अलविदा, मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत से ब्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।